अपने मोबाइल फोन से होम क्रेडिट की लोन पेमेंट आप घर बैठे कैसे पे करेंगे, आज के इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर यदि आपने भी किसी भी कंपनी का लोन लेकर के रखा है, हो सकता है कि होम क्रेडिट का हो, तो होम क्रेडिट का आप लोन पेमेंट अपने मोबाइल से घर बैठे कैसे जमा करेंगे, पूरा प्रोसेस में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जिसमें आपको जरूरत पड़ने वाली है फोन पे ऐप की, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फोन पे ऐप को आप नीचे दी गई लिंक से ही इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही फोन पे में UPI कैसे सेट करते हैं, उसकी भी वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप वहां से भी उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फोन पे अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेना है, उसका भी लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उससे आप अपने फोन पे को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसे अपडेट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपना फोन पे ऐप को ओपन कर लिया है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, सी ऑल के विकल्प पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर लोन रीपेमेंट के विकल्प को फाइंड करना है। यहाँ देख सकते हैं लोन रीपेमेंट का विकल्प नजर आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सर्च में आपको उस कंपनी का नाम डाल देना है जिसका आप लोन पे करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ होम क्रेडिट, तो मैंने HO बस टाइप किया, तो यहाँ पर होम क्रेडिट आ चुका है। मैं होम क्रेडिट पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आपसे लोन अकाउंट नंबर या कॉन्ट्रैक्ट ID पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर उसे दर्ज कर देना है। नीचे कंफर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे कस्टमर का नाम भी शो हो जाएगा और ड्यू अमाउंट भी यहाँ पर शो हो रहा है। जितना भी अमाउंट आपको यहाँ पर पे करना है, आपको सिर्फ उतना ही अमाउंट यहाँ पर दर्ज करना है जितना अमाउंट आप पे करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैं UPI के माध्यम से करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर UPI पेमेंट पर ले जाया गया है। मुझे अपने बैंक और अकाउंट का चयन करना है और UPI के माध्यम से पेमेंट को सक्सेसफुल कर लेना है। फोन पे में UPI कैसे सेट करते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को, UPI फोन पे में कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद नीचे पे पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको UPI पिन दर्ज कर देना है, फिर उसके बाद नीचे राइट विकल्प ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रहा है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। व्यू डिटेल पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर बिल डिटेल्स में जाकर आप इसकी रिसिप्ट कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं और हिस्ट्री पर जाकर के इसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स की जानकारी आ जाएगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर शेयर रिसिप्ट पर क्लिक करके इसे कस्टमर के साथ में शेयर कर देता हूँ। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियोस में। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।